मऊ रेलवे स्टेशन के पास थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा लाइसेंसी पिस्टल निकालकर रिक्शा चालक को गोली मारने की धमकी देने की घटना को पुलिस अधीक्षक मऊ अनुराग आर्य ने संज्ञान में लेते हुए घटना के 5 मिनट के अंदर आरोपी पर दर्ज कराया मुकदमा। वह मीडिया से बातचीत के दौरान बोले, पुलिस अधीक्षक मऊ रिक्शा चालक पर रिवाल्वर तानने वाले व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस होगा रद्द तथा इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 257/19 धारा 323 504 506 307 भादवी व 30 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या है अभी 5 मिनट पहले अभी लोगों के माध्यम से मेरे संज्ञान में लाया गया है कि रेलवे स्टेशन पर 5 रुपए के विवाद को लेकर किसी व्यक्ति ने शायद अपनी लाइसेंस से जो असला है उसके पास उसको निकाल के बदतमीजी की है। तत्काल मेरे द्वारा संज्ञान लिया गया है, थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया है और गिरफ्तारी करने के लिए बताया गया है, क्योंकि 5 मिनट पहले की ही घटना है। इसमें तत्काल हम लोग अभी मुकदमा पंजीकृत करेंगे और अगर ये लाइसेंस ही असला है तो इसको निरस्त कराने की भी कार्रवाई की। यदि वो जीआरपी में घटनास्थल होती है तो क्या किया जाएगा? घटनास्थल जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि जिस आदमी के साथ घटना हुई है उसको न्याय मिले और हमारे संज्ञान में आ गया है तो हम खुद ही विवाद हो रहा है।